भारतीय कोबरा नाजा नाज, जिसे बेनोकेलेट कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, भारत में पाए जाने वाले जीन नाजा की एक प्रजाति है और बड़ा चार प्रजातियां जो भारत में मनुष्यों पर सबसे अधिक सर्पदंश पैदा करती हैं। यह किंग कोबरा से अलग है जो मोनोप्टिक जीनस ओफियोफेगस से संबंधित है। भारतीय कोबरा भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति में प्रतिष्ठित है और अक्सर इसे सपेरों के साथ देखा जाता है। दुनिया में सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा है। यह एक ऐसा सांप है जिसके दिखने और उसके आकार के कारण कई लोग चिंतित हैं। कई मौतें हैं कि वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि यह आमतौर पर संक्रमण से होता है और इसलिए उचित चिकित्सा उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। कोबरा की कई उप प्रजातियाँ हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी है। वे 18 फीट तक बढ़ सकते हैं। हालांकि अधिकांश स्थानों पर वे लगभग 13 फीट लंबाई के होने वाले हैं। रसेल वाइपर पूरे एशिया में सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। एक बार काटे जाने के बाद लोग दर्द, सूजन, उल्टी, चक्कर आना, रक्त की असावधानी और गुर्दे की विफलता सहित कई प्रकार के लक्षणों का अनुभव करते हैं। हम रक्त के थके तंत्र पर जहर के प्रभाव और किडनी को बेहतर तरीके से समझने के लिए जांच करेंगे कि विष कैसे मारता है। सबसे अच्छा तरीका है कि वे रोगियों को उपचारित करें। रसेल वाइपर पूरे एशिया में सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। एक बार काटे जाने के बाद लोग दर्द, सूजन, उल्टी, चक्कर आना, रक्त की असावधानी और गुर्दे की विफलता सहित कई प्रकार के लक्षणों का अनुभव करते हैं। हम रक्त के थके तंत्र पर जहर के प्रभाव और किडनी को बेहतर तरीके से समझने के लिए जाँच करेंगे कि विष कैसे मारता है। सबसे बैम्बू पिट वाइपर को भारतीय ट्री वाइपर या ग्रीन ट्री वाइपर के रूप में भी जाना जाता है, जो केवल दक्षिणी भारत में पाया जाता है। यह अर्बोरियल और निशाचर बांस वाइपर प्रकृति में बहुत आक्रामक है और भारत में पाया जाने वाला एक अद्भुत हरे पेड़ वाला सांप है। बांस के सांप या पेड़ के वाइपर के रूप में जाना जाता है। इंडियन पिट वाइपर मुख्य रूप से झाड़ियों, बांस और बेलों में रहता है। उनके पास बहुत कूल हीट सेंसिंग सिस्टम है। ये ग्रीन वाइपर छिपकलियों, मेंढकों और कीड़ों को खिलाता है। वे ज्यादातर भारत के पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं।